सबसे पहले 1 फीट के हाइट से मैं ये फोन को गिरा रहा हूँ। ये क्या हो गया? All right guys, देखो हम सभी स्मार्टफोन बाय तो कर लेते हैं, 5,000 का हो या 50,000 का हो या 1,00,000 का हो, लेकिन कुछ स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है और कुछ के लिए हमें मार्केट में जाकर बाय करना होता है या नहीं तो हम ऑनलाइन बाय करते हैं। चाहे वो 150 रुपये का हो सकता है, 20 रुपये का हो सकता है या 1500, 2000, 2500 का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप कैसा क्वालिटी ढूंढ रहे हो। तो गाइस आज मैं आपको 50 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का टेम्पर ग्लास दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई एक 50 रुपये का टेम्पर ग्लास का क्वालिटी और एक 1500 रुपये वाला टेम्पर ग्लास का क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। अब एक चीज़ आप मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे, अगर आपको याद होगा बचपन में हम 10-15 रुपये में अपने फ़ोन पे ना लेमिनेशन करवा लेते थे, जिससे हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा दिन चलता था, लेकिन जब निकलवाते थे तो भाई उसके साथ कीपैड, उसका कैमरा, उसका डिस्प्ले, मतलब कुछ भी निकल सकता था, क्योंकि वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन उसमें 10 रुपये में हो जाते थे और कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगता था। सेम वही अब अपग्रेड वर्जन हो गया भाई, टेम्पर ग्लास आने लगे हैं, बहुत पे लेमिनेशन भी होने लगा है, तो जस्ट मैंने आपको बताया। तो देखो सबसे पहले ऑफलाइन में आते हैं, तो देखो ऑफलाइन में भी दो तरह के टेम्पर ग्लास आपको मिलते हैं। एक तो जो रोड साइड लगाकर आराम से बेचता रहता है, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में आपको लगा कर दे देंगे, तो वहाँ का जो क्वालिटी होता है ऐसा होता है कि जितना दिन वो चल रहा है चल रहा है, अगर उस पर थोड़ा सा भी कुछ हुआ वो टूट जाएगा। और सेकेंड टेम्पर ग्लास जो आप दुकान में जाकर बाय करते हो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की क्वालिटी दिखाएंगे कि ये 100 रुपये का है, ये 200, ये 500, ये 2000 का है। तो देखो वहाँ से मैंने बाय किया ये टेम्पर ग्लास जो कि मुझे 80 रुपये का पड़ा है, बाकी मैंने सारे टेम्पर ग्लास अमेजोन से बाय किए। लेकिन अमेजोन पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो टेम्पर ग्लास के ना टाइप बहुत अलग अलग होते हैं, जैसे आपको 9H, 11H, 9D, 11D, 18D, 21D, ये सब तरह के आपको दिखेंगे, और साथ में कुछ टाइप भी होते हैं जैसे UV वाला होता है, कुछ लिक्विड टेम्पर ग्लास होते हैं, कुछ कर्व्ड स्मार्टफोन के लिए होते हैं, तो कुछ फ्लैट स्मार्टफोन के लिए होते हैं, तो ये सभी तरह के टेम्पर ग्लास आते हैं। तो अभी चलो मैं अमेजोन पे आ गया हूँ एंड यहाँ मैं सिंपली अभी सबसे पहले आपको टेम्पर ग्लास सर्च करके दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो टेम्पर ग्लास आया भाई ये स्पीजन का है, 1136 रुपीज़ का है, एक हमें 109 रुपये का दिख रहा है, एक 60 रुपये का दिख रहा है, 271 रुपये का दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 11D वाला टेम्पर ग्लास है भाई, तो बाकी यहाँ पे सारा टेम्पर ग्लास आप देख सकते हो, बहुत सारे टेम्पर ग्लास है। डेफिनेटली आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा टेम्पर ग्लास हम बाई करें, 100 रुपये का बाई करें या 1500 या 2000 रुपये का, तो भाई कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो चलो इसे हम कंक्लूजन है बदलते हैं बढ़िया से। और भाई एक टेम्पर ग्लास मैं आपको बताना भूल गया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ उस तरह का कंटेंट देख रहे हो तो अगल न बगल कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ तुम्हें दिखेगा और तुम एंजॉय कर सकते हो, अगल बगल के लोग तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो टोटल 4 टाइप के स्मार्टफोन अभी आ रहे हैं मार्केट में, एक तो फ्लैट डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, फ्लिप डिस्प्ले और फोल्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन। अभी मेरे पास 3 तरह के स्मार्टफोन है, एक फ्लैट डिस्प्ले, एक कर्व डिस्प्ले और एक यहाँ पे फ्लिप डिस्प्ले स्मार्टफोन है, तो चलो सभी पे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 80 रुपये वाले टेम्पर ग्लास से। बाकी यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं तुम्हें मिलता है, न साफ करने वाला है ना कुछ है, वही वहाँ पे रख के साफ कर देगा आपका स्मार्टफोन और चिपका देगा। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा क्वालिटी है जैसा देख सकते हो, एज पे यहाँ पे ब्लैक कलर का किया हुआ है ताकि एज पे कुछ भी एयर आए तो यहाँ पे इनविजुअल हो जाए इस ब्लैक की वजह से। अब देखो जब भी आप स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाते हो तो एक सही जगह बैठ जाओ जहाँ पे डस्ट वगैरह कम उड़ रहे हो, ताकि उस स्क्रीन पे डर्ट वगैरह ना आ जाए। अब एक क्लीनिंग क्लॉथ पे लिक्विड डालो एंड एक बार आप बढ़िया से स्क्रीन को साफ कर लो। अब ये हमारा 80 रुपये का टेम्पर ग्लास है एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। अब देखो स्क्रैच नॉर्मली कब लगता है, जब आप पॉकेट में रखते हो फोन तो वहाँ पे क्वाइन हो गया, चाबी रिंग हो गए या कीज वगैरह से लग सकता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत अगर डस्ट वगैरह से भी मैं इस तरह से रब करता हूँ तो स्क्रैच एज सच विजुअल नहीं हो रहा है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे जोर से नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली अगर इस तरह से जोर पड़ता है तो टूटेगा नहीं। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें हो रहे हैं तो धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्क्रैच आ जाएगा, बट इतना भी जल्दी नहीं आएगा कि आपको हटाना पड़ जाए। अब आते हैं यहाँ पे 200 के टेम्पर ग्लास पे। अब ये जो टेम्पर ग्लास है ये 9H और HD क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है और बैक साइड में यहाँ पे रीयूजल भी लिखा हुआ है, यानी कि ये टेम्पर ग्लास आप रीयूज भी कर सकते हो। तो देखो इसमें भाई हमें एक अच्छा खासा पॉकेट मिल गया, 80 रुपये वाला मैं डायरेक्ट यही था, बाकी इसमें ये रखा हुआ है, साथ में ये रखा है यहाँ पे टेम्पर ग्लास और ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैकिंग किया हुआ है ऊपर और नीचे की तरफ, साथ में एक क्लीनिंग क्लॉथ भी दिया है और लिक्विड भी इसके अंदर है भाई, जिससे हम इसे अच्छे तरीके से साफ करके लगा सकते हैं। तो चलो अप्लाई करना शुरू करते हैं। सेम प्रोसेस है, स्क्रीन साफ करो, लिक्विड डालो, बढ़िया से चमकाओ एंड फिर अप्लाई करो स्किन गार्ड। अब देखो टेम्पर ग्लास लगाने के बाद बबल रहना ये नॉर्मल है, ये थोड़ी देर के बाद अपने आप खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मैंने चाबी रिंग, क्वाइन
एंड यहाँ पे चाकू से बढ़िया से स्क्रैच लगाने की कोशिश किया एंड यहाँ पे देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से अपना स्किन गार्ड चमक रहा है। अब बारी यहाँ पे बालू रख के टेस्टिंग करने का, तो देख सकते हो बालू रखने के बाद भी सारा चीज बढ़िया है। एंड लास्ट यहाँ पे हैमर से वार करने के बाद भी देख सकते हो ब्रोकन नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सट्रीम टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले 1 फीट के हाइट से मैं ये फोन को गिरा रहा हूँ। अब देखो ये ग्लास टूट गया है जस्ट बिकॉज कि भाई ये एज पे गिरा है, और एज पे गिरने से डेफिनेटली कोई भी स्किन प्रोटेक्टर या ग्लास होगा टूट ही जाएगा। अब चलो अब आते हैं नेक्स्ट टेम्पर ग्लास पे जो हमारे पास। अब देखो ये कोई टेम्पर ग्लास नहीं है, ये एक लिक्विड फॉर्म में स्किन प्रोटेक्टर है जो आपके स्मार्टफोन, कैमरा लेंस, ओ भाई साहब आईपैड, मतलब जो भी डिजिटल डिवाइस है जिसके ऊपर स्क्रीन लगा हुआ है उस पर आप लगाओगे तो ये स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो इसमें वेट एंड ड्राई वाइप्स आपको मिलता है, एंड साथ में एक चीज और है जिससे आप इसे कुछ इस तरह से लिक्विड को फैला सकते हो डिस्प्ले के ऊपर। और साथ में ये जो छोटा सा दिख रहा है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसे आप स्क्रीन पे लगाकर फैलाओगे और ये आपका अप्लाई हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है 9H+ हार्डनेस और ये काफी ज्यादा हाईटेक प्रोटेक्टर है स्क्रीन के लिए। चलो भाई इसे लगाकर देखते हैं कितना काम का है। ये मैंने निकाला, अब देखो इसमें ना लिक्विड भरा हुआ है। अब बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये मैंने इस पे रख दिया। अब इसे आपको स्प्रेड करना है कुछ इस तरह से। अब यार ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे स्मजेज वगैरह ना इस पे लग गए हैं, जैसे हम होता है ना गंदा हाथ से लग जाते हैं, कुछ वैसा ही लग रहा है। अब देखते हैं एक्चुअल में ये कुछ इस पे हुआ भी है या नहीं हुआ है। यार मुझे नहीं लग रहा है ये काम वगैरह भी कर रहा है, जैसा देख सकते हो कुछ भी डिफरेंस मुझे स्किन पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने कभी इस तरह का चीज लगाया है और आपको रिजल्ट मिला है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना। कंक्लूजन में आपका सारा कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। ओके, अब हमारे टेम्पर ग्लास का बजट बढ़ रहा है थोड़ा ऊपर की तरफ। ये हमारा 300 रुपये का यूवी ग्लू टेम्पर ग्लास है, और ये जो टेम्पर ग्लास है भाई ये थोड़ा अभी ज़्यादा ही चर्चा में है। सबसे पहले बॉक्स देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा खासा लग रहा है कि हाँ 300 रुपये का है। तो बाकी इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है, एक वेट एंड एक ड्राई वाइप से यहाँ पे, साथ में एक आपको लिक्विड इसमें मिलता है जो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। साथ में यहाँ पे यूवी लाइट आपको मिल जाता है जिसे आप टाइप सी से ऑपरेट कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है हमारा टेम्पर ग्लास एंड और ये हमारा कर्व है जस्ट बिकॉज कि हमारा जो स्मार्टफोन है ये भी कर्व है, तो कुछ इस तरह से हम इस पे लगा सकते हैं। तो देखो पैकिंग में तो सारा चीज बढ़िया से रखा हुआ है। अब चलो इसे अप्लाई करते हैं। तो देखो ये है यूवी टेम्पर ग्लास जो कि हम कर्व डिस्प्ले पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बढ़िया से क्लीन कर लिया है। अब देखो यूवी टेम्पर ग्लास जब भी आप लगाते हो तो थोड़ा सा ना आपको बारीकियों से सारा चीज आपको देख कर लगाना होता है। जैसे ये जो लिक्विड है इसे कोशिश करो कि स्पीकर ग्रिल वगैरह में ना जाए, नहीं तो वो खराब हो सकता है। तो इसे बढ़िया से पहले उस पर लगा कर आपको पूरा फैला लेना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर टेम्पर ग्लास लगाने हैं। एंड देन आपको इसमें ही जो यूवी लाइट मिलता है इसी से आपको ऊपर नीचे तरफ थोड़ा सा स्प्रेड करना है लाइट को, ताकि ये बढ़िया तरीकों से चिपक जाए। अब जैसा यहाँ पे देख सकते हो चिपक तो गया है लेकिन कहीं कहीं ना बबल अजीब टाइप का दिख रहा है, जिसे हम चाह के भी नहीं हटा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इसमें कोई एयर नहीं है, ये यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं स्क्रैच लगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ चाबी रिंग क्वाइन एंड चाकू से, स्क्रैच तो नहीं आया है। अब हैमर से थोड़ा सा प्रेशर देके मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इतने प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद मैं थोड़े से हाइट से गिरा के भी आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये सभी चीज़ में तो बढ़िया है लेकिन फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं निकल गया है जितना अच्छा है कि नॉर्मल टेम्पर ग्लास का निकल कर आता है। ये 500 रुपये का टेम्पर ग्लास एंड पैकिंग थोड़ा सा एस्थेटिक टाइप लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पे टेम्पर ग्लास टूटा हुआ नहीं है, अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया तो अच्छी बात है यार। ऐसे आपको सभी टेम्पर ग्लास का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप वही बाय करना जो आपके स्मार्टफोन का हो, ऐसे नहीं जो लिंक दिया आप वही बाय कर लिया, पता चला आपके पास कोई और मॉडल है। देखो बॉक्स में आपको यहाँ पे दो दो हमें पॉकेट मिला है, एक ड्राई और एक वेट का वाइप्स का। तो देखो ये हमारा साइड फिल्म है और ये हमारा फ्रंट फिल्म है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो स्मार्टफोन है ना इसमें आप टेम्पर ग्लास नहीं लगा सकते, ये फ्लिप स्मार्टफोन है, तो इसमें भाई हमें स्किन प्रोटेक्टर लगाना पड़ता है जो कि प्लास्टिक का होता है ताकि ये इस तरह से फोल्ड हो पाए। और इसका ना बैक साइड का भी इसमें आपको मिलता है जैसे यहाँ पे देख सकते हो, और साथ में आपको फ्रंट साइड का भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलो इसे लगाते हैं पहले एंड फिर मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा है। अब देखो प्रोसेस तो सभी के लिए सेम ही है, स्क्रीन बढ़िया साफ कर दो वेट एंड ड्राई वाले वाइप से, फिर उसके बाद स्किन गार्ड लगाने के बाद ये जो आ जाते हैं एयर बबल इसके लिए तुम इस तरह से कर सकते हो, या थोड़ा देर के लिए नॉर्मल छोड़ दो फिर भी जाकर ये सेट हो जाता है बढ़िया से। एंड ये अभी मैंने यहाँ फ्रंट पे लगा दिया है। अब फ्रंट पे लगने के बाद इसके ऊपर का जो फिल्म है इसे हटा देंगे, बढ़िया से ये हमारा स्किन गार्ड सेट हो जाएगा। अब स्किन गार्ड तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब चलिए इसे फ्लिप करके देखते हैं कि बढ़िया से हो पाता है या नहीं। नो प्रॉब्लम, एज नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही है। अब ये स्क्रीन गार्ड है, कोई भाई टेम्पर ग्लास नहीं कि इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। अगर इस तरह से तुम हार्ड प्लास्टिक से भी करते हो ना
तो स्क्रैच वगैरह आने का चांसेस काफी ज्यादा हाई है। अब ये मेरे पास है 400 का स्किन प्रोटेक्टर एंड ये भाई थोड़ा यूनिक डब्बा में है। जैसे देखो, ओहो ऐसा लग रहा है डायरी दे दिए। यहाँ पे कुछ हमें इंस्टॉलेशन क्लीनिंग किट मिलता है, वही बात है भाई, आपको वाइप्स मिल जाएगा, साथ में ये रखा हुआ है इसके स्किन गार्ड। अब ये भी हमारा यूवी टेम्पर ग्लास ही है, तो इसमें भी लिक्विड है और साथ में एक आपको और भी चीज मिलता है, डेफिनेटली यहाँ पे एक लाइट है जो कि यूवी लाइट है। अब देखो ये दोनों करने का मेन पर्पस ये है कि एक मोटरोला का जो मेरे पास G85 5G जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा कम कर्व है, जहाँ पे नोट 40 प्रो 5G जो है ये थोड़ा ज़्यादा कर्व स्मार्टफोन है, तो इसके लिए हमने ये मंगवा लिया और इसके लिए हमने भाई ये वाला मंगवा लिया है। अब चलो इसे हम लगा कर देखते हैं। तो देखो मैंने इसे बढ़िया से साफ कर लिया है, एक एक डर्ट मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ एंड अब यहाँ भाई थोड़ा सूखा कपड़ा से भी इसे बढ़िया से जो इसमें क्लोथ हमें मिलता है इसी से मैंने हटा दिया सारा चीज। थोड़ा सा महंगा अगर आप टेम्पर ग्लास लेते हो तो इस तरह का डस्ट एब्जॉर्बर मिल जाता है, जिससे तुम इस तरह से अगर डर्ट वगैरह फंसा हुआ है ना तो तुम इसे निकाल सकते हो। क्लीन द ग्लास, ठीक है, ओपन, ड्रॉप द ग्लू, पुट द ग्लास, मेक श्योर द ग्लास इज करेक्ट पोजिशन, ड्राई विद लाइट अबाउट 3 सेकंड, नो बॉल, नो वाइटेज, फुल ग्लू डन। ये मैंने रखा 2 बूंद जिंदगी के लिए एंड ये मैंने ग्लास पर से फिल्म हटाया। अब देखो यार ये जो यूवी प्रोटेक्टिव वाला जो हमारा टेम्पर ग्लास है ना, इस पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप खुद से ट्राई करने जा रहे हो लगाना काफी मुश्किल है, तो इसे कोशिश करो कि भाई जो दुकानदार वगैरह है ना उसी से लगवाओ, खुद से तो लगाना बहुत ही मुश्किल है, जैसा देख सकते हो हम यहाँ फेल हो गए। एंड लास्ट हमारा जो टेम्पर ग्लास है ये हमारा आईफोन 14 का है और ये है एक्सपीजन का एंड इसका जो प्राइस है भाई 1600 रुपया है, यानी कि 1600 रुपये का एक टेम्पर ग्लास है। आई नो आपको ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, कॉफी गिर गई इस पर भाई, 1500 रुपये में तो एक बेसिक सा फोन आ जाएगा। ये कवर है, सॉरी टेम्पर ग्लास है, द मोस्ट इफेक्टिव पावर, यहाँ पे यूजर मैनुअल और ये भाई अच्छा खासा लगाने के लिए। अब देखो एक चीज और यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे हमें दो तरह के वाइप्स मिलते हैं, एक यहाँ पे वेट एंड एक ड्राई है, साथ में क्लीनिंग क्लॉथ है, साथ में डस्ट वगैरह अगर आपको हटाना है तो कुछ इस तरह से चिपका कर हम रिमूव कर सकते हैं डस्ट वगैरह को। अब देखो तुम जितना महंगा टेम्पर ग्लास बाय करते हो उतना कम स्किल की आपको जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मेरे पास 80 रुपए का टेम्पर ग्लास था, इसमें नहीं है, उसमें हमें ज्यादा स्किल चाहिए, ना हमारे पास कोई लिक्विड है ना कुछ है, अच्छे तरीकों से लगाना होगा। बट ये जो टेम्पर ग्लास है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, दो कवर है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस स्लाइड एंड वेट 30 सेकंड, देन ये आपका टेम्पर ग्लास अप्लाई हो जाएगा, बस फोन यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाओ एंड देन डन, नो स्किल रिक्वायर्ड। चलो इसे भी अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो सभी टेम्पर ग्लास लगाने का सेम प्रोसेस है, सबसे पहले स्किन को साफ करो, उसके बाद लिक्विड डालकर साफ करो बढ़िया से एंड देन जाकर एक एक डर्ट को हटा लो एंड फिर जाकर बढ़िया से उस पर भाई अपना टेम्पर ग्लास चिपका लो, दैट्स इट। अब डेफिनेटली थोड़ा महंगा टेम्पर ग्लास है तो हमें ऊपर की तरफ भी एक और लेयर मिल जाता है जिसे हम इस तरह से हटा सकते हैं। अब देखो ये हमारा महंगा टेम्पर ग्लास है तो भाई सबसे पहले हमने चाकू से स्क्रैच लगाने की कोशिश किया, इसके बाद क्वाइन, इसके बाद यहाँ पे हमने चाबी रिंग, सभी चीज़ से टेस्टिंग किया, स्क्रैच विजुअल नहीं हुए, तो फिर मैंने इस पर बालू रख के टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ एंड देख सकते हो कोई स्क्रैच एज सच दिख नहीं रहा है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होती है तो आपका स्किन बच सकता है, एज सच यहाँ पे कोई स्क्रैच वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ, जैसे मेरा ये नथिंग फोन 2 है जिस पे मैंने स्किन गार्ड लगा रखा है लगभग 500-600 का एंड इसे लगाए हुए लगभग हो चुके हैं 5-6 महीने। तो जैसा देखो सबसे पहले मैं इसे पॉकेट में भी यूज करता हूँ, साथ में कहीं पे रख भी देता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बढ़िया से इसे रखता हूँ, मतलब कहीं भी रख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्क्रैच आप नोटिस करोगे तो स्क्रैच बहुत सारे आ चुके हैं और ये स्मार्टफोन कुछ इतने हाइट से गिरा हुआ भी है कई बार, तो मतलब इतना तो ये झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अब झेलने के पीछे एक रीजन और है, अब इसमें जो कवर लगा हुआ है ये भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, स्किन का प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एज पे काफी अच्छा बनाया गया है ताकि ये जब स्किन के तरफ से गिरे तो अच्छा खासा यहाँ पे स्किन आपका बच जाए। अगर आप अच्छा क्वालिटी का स्किन गार्ड नहीं लगाते हो तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा वगैरह, ये अच्छे तरीकों से वर्क नहीं करता है, जैसे कैमरा आपका ब्लर ब्लर दिखेगा, फिंगरप्रिंट कई बार काम करेगा और कई बार काम नहीं करेगा, खासकर ये यूवी वाले जितने भी टेम्पर ग्लास होते हैं ना इसमें ये दिक्कत देखने को मिलता है। तो फाइनली मैं कंक्लूजन का बात करूं, ये जो लिक्विड वाला टेम्पर ग्लास है और ये जो हमारा यूवी टेम्पर ग्लास है इसे आप इग्नोर करके चल सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगता है भाई फिंगरप्रिंट वगैरह को लेकर, अच्छे तरीके से काम नहीं करता है और जो होल होते हैं जैसे कि स्पीकर ग्रिल का हो गया या आपके बटन्स के हो गए, यहाँ पे अगर ये लिक्विड चला गया तो अच्छे तरीकों से काम करना बंद कर देता है। और ये वाला जो है ये तो पता ही नहीं कितना नकली सामान है, मुझे भी नहीं पता, मतलब काम ही नहीं करता है, ये बस पैसे ले रहे हैं, अच्छा दिखता है इसलिए मैंने सोचा क्या पता काम करता होगा, डोंट बाई। बाकी मैंने जितना भी आपको टेम्पर ग्लास दिखाया है वो चाहे 20 रुपये का हो या 1600 रुपये का हो, टेम्पर ग्लास का काम होता है भाई स्किन को सेफ रखना। अब जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो उतना आपके स्मार्टफोन के स्किन को सेफ रखेगा, जैसे 20 रुपये का टेम्पर ग्लास
दो महीने तीन महीने चल जाएंगे, अगर एक बार भी उस पर जोर से झटका नहीं लगा तो टूटेगा नहीं, तो अच्छा खासा चल जाता है। वहीं पे अगर आप एक 1500-1600 रुपये का टेम्पो ग्लास लगाते हो तो अच्छा खासा चल जाता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बाकी आप मुझे बताओ कि आप कितने रुपये का टेम्पो ग्लास अपने स्किन पर यूज़ करते हो कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सभी के टेम्पो ग्लास के बाय लिंक आपको नहीं मिलेंगे, जो अच्छा है उसी का लिंक मिलेगा। ओके।